सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज दानिश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जीटी गेमर्स। सो गाइस यार, आज मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब कि इतना खुश हूं ना यार, मैं इतना खुश हूं क्योंकि गाइस मुझे ना एक कमेंट सेक्शन में आया था कि भाई जो फ्लाइंग कार है उसकी सीक्रेट लोकेशन बताओ। सो गाइस उस दिन के बाद मैं फ्लाइंग कार की लोकेशन ढूंढने में लग गया था। जी हाँ गाइस, मैं मतलब कि रोज आधा घंटा ढूंढता में घूमता था, देखता था भाई फ्लाइंग कार की लोकेशन कहाँ पर है। सो गाइस अभी जो रिजल्ट मिले हैं उसके बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो। हाँ गाइस, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे कुछ ऐसे ही रिजल्ट मिले थे। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देना, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, स्किप कर दिया तो समझो कि बहुत बुरा गया। सो गाइस अभी मैं आया हूँ फ्लाइंग कार की लोकेशन के बारे में पूछने किसको, भाई डूड सिटी के उस्ताद को, यानी कि अपना किरल। अरे किरल भाई, भाई यार प्लीज मुझे ना भाई इसकी जो पहले तो ये स्पीकर की आवाज़ है इतनी बुरी है भाई, कानों को चुभती है। सो गाइस इसको मैं पूछता हूँ, ओ भाई किरल यार प्लीज मुझे फ्लाइंग कार की लोकेशन बता यार, तुमको तो पता होगी कहाँ पर है। अरे बाबा फ्लाइंग कार की लोकेशन मुझे नहीं पता। अरे अरे भैया भैया प्लीज प्लीज किरल बता दे यार कहाँ पर है लोकेशन। अरे को तुम्हें मैं बताता हूँ, कुछ साल पहले ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर से यहाँ पर एक आर्मी वाला आया था, उसी ने फ्लाइंग कार लाई थी। तुम एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाओ, वहाँ पर देखो। सो गाइस यार किरण ने कहा कि भाई कुछ साल पहले ना मतलब कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ से ही एक फ्लाइंग कार लेके आया था मिलिट्री ऑफिसर, एक फ्लाइंग कार लेके आया था जो कि फ्लाइंग कार अभी डूड सिटी में है। सो गाइस अभी इसने बोला कि तुम बना सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही चले जाओ क्योंकि भाई वहीं पर शायद तुम्हें फ्लाइंग कार मिल जाए। सो गाइस सर किरल ने कहा है तो भाई जल्दी जरूर से हो गई, और भैया मैंने नींबू पानी वाले को मार दिया भाई, आजकल ना मैं इसका नींबू पानी नहीं पीता। और भाई पुलिस वाले भी देखो कितनी जल्दी आ गए भाई, ऐसे नहीं आते लेकिन ऐसे जब मैं कुछ क्राइम करूँ ना तो बहुत जल्दी आ जाते हैं भाई, हद है। सो गाइस सर अभी हम चलते सीधे आगे, और गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना यार, क्या मिलेगा यार स्किप करके। सो गाइस सर अभी चलते, क्या बता मैं कुछ आपको ऐसा सीक्रेट बता दूं जो कि आप स्किप नहीं करना चाहो। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं सीधे एयरपोर्ट में, और भाई फार्मूला को मैं बहुत ही तेज भगाने वाला हूं क्योंकि गाइस यार फार्मूला काफ़ी मस्त कार है, मुझे सबसे अच्छी कार यही लगती है डूड सिटी में भाई। वैसे लैम्बोर्गिनी अच्छी है लेकिन ना उसके कंट्रोल इससे थोड़े से कम है, इसके कंट्रोल सबसे बेटर है मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस सर अभी चलते हैं, हम 50 की स्पीड भगा रहे हैं हम इसको भाई, कोई बात नहीं अभी हम भगाएंगे गाइस इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड। गाइस यार मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ना एक प्राइवेट जेट ले जाऊँगा क्योंकि कमर्शियल वाला बहुत बड़ा होगा, और जो हेलीकॉप्टर ये धीरे धीरे चलते हैं, मतलब कि कंट्रोलिंग इनकी हेलीकॉप्टर की ख़राब है। सो गाइस सर अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और भाई साहब मैंने इसको इतना बुरा भगाया है ना भाई, मुझे लगता है गेम, और भाई देखो थोड़ी सी गेम क्रैश होने लगी थी। चलो कोई नहीं गाइस, अभी गाइस अभी हम बैठते हैं अपने इस प्राइवेट जेट में, और गाइस अभी हम चलते हैं सीधे बिना किसी देरी से भाई कहाँ पर जाना है भैया हमको, भैया हमको जाना है एयरक्राफ्ट कैरियर पे। जी हाँ गाइस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाना भी हमको, और गाइस मैंने लोकेशन मार्क कर दी है, और गाइस हम जल्दी से पहुँच जाएंगे भाई। वीडियो की थोड़ी सी क्लिप मैंने स्पीड बढ़ा ली है जिससे भाई ये जो है ना, ये आपको पता है एयरक्राफ्ट काफ़ी धीरे चलते हैं, मतलब ये वाले कमर्शियल वाले, ऐसे फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा तेज चलते हैं। कोई बात नहीं, हम अगर टाइम लगाना वही भी उड़ाएंगे वहाँ पर जाके। सो इससे ये देखो यहाँ पर शिप जा रही थी, मतलब कि इसके कंटेनर होते हैं भाई, कंटेनर में कुछ सीक्रेट जगह होती है भाई, भाई मुझे बताना है कुछ सीक्रेट मिलते हैं इनमें फिर हम वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। सो गाइस सर हम चलते हैं नीचे उतरते हैं, और गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और गाइस किरण ने कहा है कि यहीं पर भाई तुम्हें यहीं पर कुछ मिलेगा, लेकिन गाइस मुझे लगता है यार काफ़ी दूर जाना पड़ेगा भाई, दिख ही नहीं रहा यार कुछ आगे भाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, हम यहाँ पर इसमें बैठते हैं, और गाइस हमको ना वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको सामने गाइस उसी के पास जाना है। किरल ने कहा है कि यहीं पर शायद तुम्हें फ्लाइंग कार मिल जाए, लेकिन गाइस यार मुझे ना किरल पे घबराते हुए विश्वास, रत्ती भर विश्वास नहीं है। चलो कोई नहीं गाइस, हम यहाँ पर आए हैं तो ढूंढेंगे जरूर भाई यहाँ पर कैसे मिलेगी यार, मुझे लगता है ऊपर होगी भाई। ये क्या है भाई, अंदर जा रहा है क्या? ओ भाई भाई ये क्या है? अरे अच्छा तो भाई भाई साहब यहाँ पर ये खोखला क्यों बना रखा है? अरे भाई ऊपर देखो पूरा आर पार दिख रहा है यार। अरे भाई साहब यहाँ पर गाइस में नीचे, अरे भाई ये क्या है? अरे भाई साहब गाइस ये कौन सी गाड़ी होती है भाई, होबर बोर्ड होता है क्या? अरे गाइस लेकिन भाई इसकी भाई ये काफ़ी मस्त है यार चलाने में। अरे भाई साहब ये दो टायरों पे कैसे चल रहा है यार, भाई इसकी फिजिक्स मुझे नहीं पता चल रही है, दो टायरों पे कैसे चलता है ये। चलो कोई नहीं गाइस, लेकिन गाइस हमको तो किरण ने बोला यहाँ पर फ्लाइंग कार मिलती है भाई, किरण ने झूठ बोला क्या? अरे गाइस मैं ना जल्दी से ना
जल्दी से किरल के पास चलता हूँ। वैसे ना ये कार भी काफ़ी मतलब मस्त है यार, पहली बार मैं पहली बार चला रहा हूँ इसको। और गाइस मुझे आप बताना आपने इसको कितनी बार चलाया है, मैं तो पहली बार चलाऊँ, क्योंकि गाइस अभी ना हम इसको पहली बार चला रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद गाइस हम जाएंगे किरल के पास। भाई किरल ने हमको झूठ क्यों बोला, शायद ना किरल ने कोई और लोकेशन बतानी थी यार हमको, शायद हम गलत लोकेशन पे आ गए। कोई नहीं, हम जल्दी से चले जाएंगे किरल के पास। ओ भाई सो गाइस यार वो जो हॉबर बोर्ड था मतलब कि वो तो मेरे से गिर गया। और गाइस अभी मैं आ चुका हूं किरल के पास। भाई इसने मतलब कि क्या सोच के क्या बोला इसने, भाई फ्लाइंग कार वहां पर होती है। सो गाइस हम जल्दी से आते हैं इसको और भाई पूछते हैं भाई फ्लाइंग कार कहाँ है। अरे किरल यार तुमने मेरे को बताया फ्लाइंग कार वहां पर है ही नहीं यार, तुमने झूठ क्यों बोला यार, फ्लाइंग कार वहां पर है ही नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या तुमने मेरे से झूठ बोला? अरे नहीं यार किरल ने मेरे को झूठ बोला। बस गाइस बस गाइस अभी मैं किरल को नहीं छोड़ूंगा। गाइस गाइस मतलब कि इसकी शक्ल देखो भाई, इसने मुझे झूठ कैसे बोला भाई, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई। देखो खुद ये बाटलों पे खड़ा होता है और झूठ किससे बोलता है भाई, मुझसे मतलब कि झूठ चपटवार के डॉन से झूठ बोलता है। गाइस ये अभी गाइस ये नहीं बचेगा, अभी ये नहीं बचने वाला। गाइस गाइस वेपन की दुकान कहाँ है भाई, भाई वेपन की दुकान कहाँ, ये रही भाई वेपन की दुकान। तो गाइस जल्दी से उतरता हूँ मैं। और गाइस साहब अभी यार अभी देखो इसको मैं रॉकेट लॉन्चर लेता हूँ। और गाइस अभी मैं किरल को नहीं छोड़ूंगा गाइस, अभी तो किरल गया भाई, किरल का बच्चा अभी मेरे से नहीं बचेगा। जल्दी चल मेरी चंपा, चंपा जल्दी चल। गाइस मेरी इस गाड़ी का नाम चंपा है। और गाइस अभी मैं उतरता हूँ जल्दी से। और एक किरल बच्चे अब तू नहीं ला। छोटे छोटे चेहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं भाई, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा वाला, लेकिन अभी मैं किरल को नहीं छोड़ूंगा भाई। भाई किरल ने मेरे को झूठ बोला तो भाई कैसे बोला, लेकिन गाइस इसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा यार। अरे भाई साहब ओके, तो गाइस यार ये तो मतलब कि पत्थरों का शरीर बना हुआ है, इसका फौलादी शरीर है भाई किरल का। रॉकेट लॉन्चर से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, क्या बनाया है किरल को भाई, किस मिट्टी का बनाया। और उसके जो चमचे जो नाचते हैं उनको भी कुछ नहीं होता भाई, हद है यार हद हो चुकी है। सो गाइस आज की वीडियो में हमें पता चला कि भाई फ्लाइंग कार की कोई सीक्रेट लोकेशन नहीं है। हाँ गाइस पूरे डूर सिटी में मैंने पूरी डूर सिटी छानी थी, कोई मुझे सीक्रेट लोकेशन नहीं मिली थी। अगर गाइस आपको फ्लाइंग कार लेनी है तो गाइस सर आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो है गाइस आपको डूबर स्टोर से ही फ्लाइंग कार मिलती है। हाँ गाइस अगर आप कहीं और से फ्लाइंग कार लेना चाहो तो भाई फ्लाइंग कार नहीं मिलती, क्योंकि गाइस मैंने ना मतलब कि आपको क्या बताऊँ रोज आधा घंटा ढूंढता था फ्लाइंग कार की लोकेशन, मतलब कि पूरी डूर सिटी मैंने छान मारी, वहाँ मुझे कहीं पर भी मतलब कि कहीं पर भी फ्लाइंग कार नहीं मिली है। सो गाइस इस बात से क्लियर होता है कि फ्लाइंग कार की कोई सीक्रेट लोकेशन नहीं है। अगर आपको फ्लाइंग कार चाहिए तो भैया वो एक ही जगह पे मिलती है, वो है डूबर स्टोर, वहाँ से आपको ऐड देखनी पड़ेगी और फिर ही आपको फ्लाइंग कार मिलेगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ मेरी मेहनत करिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।